दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत की हार पर कप्तान रोहित पर बुरी तरीके से भड़क गई अनुष्का शर्मा। अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया मुकाबला 5 विकेट से हार गई। वर्ल्ड कप में भारत की पहली हार है, लेकिन फिर भी इस हार को विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा बर्दाश्त नहीं कर पाई और गुस्से में आकर जिस तरीके से उन्होंने कप्तान रोहित को खरी खोटी सुनाई है, उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो आखिरकार कप्तान रोहित को उन्होंने ऐसी क्या बातें कह दी जिसे सुनने के बाद आपको भी अपने पैरों तले जमीन खिसकने का एहसास हो जाएगा। चलिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित कोहली सूर्या में खतरनाक बल्लेबाज कौन है? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच एक सांस रोक देने वाला मैच खेला गया। इस मुकाबले में अंत तक ही कह पाना मुश्किल था कि कौन सी टीम जीत हासिल करेगी। मुकाबला आखिर ओवर तक गया, टीम इंडिया ने अपनी पूरी ताकत लगा दी वो मुकाबला जीत जाए, लेकिन ऐसा हो ना सका क्योंकि जब आखिरी ओवर में 6 रनों की दरकार थी तब गेंदबाजी कर रहे भुवनेश्वर कुमार ने 4 गेंद में मुकाबला खत्म करवा दिया और पहली गेंद पर एक भी रन नहीं बने। दूसरी गेंद पर सिंगल आया, लेकिन चौथी गेंद पर जब डेविड मिलर ने चौका लगा दिया, अब 3 गेंदों में सिंगल आया लेकिन चौथी गेंद पर डेविड मिलर ने चौका लगाकर जबरदस्त स्कोर बढ़ा दिया और 3 गेंदों में 1 रन की दरकार थी, मिल गए वो। जैसे बल्लेबाज के सामने ये रन कुछ था ही नहीं और फिर क्या था, भुवनेश्वर कुमार की चौथी गेंद पर डेविड मिलर ने शानदार चौका लगाते हुए अपनी टीम को जीत दिला दी। अब इस मुकाबले में कप्तान रोहित ने कई सारे फैसले गलत लेते हुए उन्होंने अपनी टीम को मुश्किलों में डाल दिया। आपको बता दे कि उन्होंने गलत कई सारे फैसले लिए। अक्षर पटेल की जगह उन्होंने दीपक हुड्डा को मौका दिया जो बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए। इसके अलावा मैदान पर लिए गए उनके फैसले भी गलत साबित हुए, जिस पर सवाल खड़े करते हुए विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे रोहित शर्मा के नजरिए से बिल्कुल सुनना सही नहीं होगा या उनके दर्शक नहीं सुनना चाहेंगे। आपको बता दें कि उन्होंने बयान देते हुए कहा कि मुझे समझ नहीं आया इस मुकाबले में रोहित ने क्या किया है, क्या प्लेइंग 11 खिलाई है? अच्छा प्रदर्शन कर रहे अक्षर पटेल को तो उन्होंने बाहर बैठा दिया। मुझे नहीं समझ में आया, अगर विराट कप्तान रहते तो क्या वो भी ऐसा करते? वो बिल्कुल ऐसा नहीं करते और ऐसा देखने को नहीं मिलता। यहाँ रोहित से बड़ी चूक हो गई है। दोस्तों, आगे अनुष्का शर्मा ने कहा कि मैदान पर कई सारे फैसले रोहित ने गलत लिए और गलत साबित हुए हैं। 18वें ओवर में जो ओवर था वो अश्विन को देना ही नहीं चाहिए था, वो भी उनका एक गलत फैसला था। हार्दिक पांड्या के ओवर को उनको लास्ट तक बचाना चाहिए था। भारतीय मैच रोहित की कप्तानी की वजह से हार गए हैं और इस मुकाबले में टीम इंडिया का इंटेंट ही नजर नहीं आया। उम्मीद है कि हमारी टीम अगले मुकाबले में अच्छी वापसी करेगी। दोस्तों, टीम इंडिया की हार पर बौखलाई विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा का यह बयान सच में भूचाल लाने वाला है। जिस तरीके से उन्होंने रोहित को टारगेट करते हुए अपने बयान में ये कह दिया कि टीम इंडिया रोहित की वजह से हारी है, उसके बाद तो बवाल मचना तय है। और यही नहीं, उन्होंने अपने बयान में विराट कोहली का भी जिक्र किया जहां उन्होंने कहा कि विराट होते तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वैसे आपको क्या लगता है कि भारत किसकी वजह से हारा है, विराट कोहली, रोहित शर्मा या फिर खराब बल्लेबाजी की वजह से? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।